सुप्रभात जैन साहब, स्वागत है आपका बहुत 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 ज्यादा। बताएं सर, आज का जेम स्टॉक को आईटी स्टॉक है आपका भी? आईटी स्टॉक था अनिल जी, बट मुझे ऐसा लगा कि आज नहीं देता हूं आईटी। आज चला हुआ था जो स्टॉक को मैं ढूंढ के लाया, और मैं रिसर्च तो आईटी स्टॉक की ही कर रहा था, बट मेरे पिटारे में क्या है, वो ऐसा स्टॉक था कि मैं बोला कि उसको मैं थोड़े दिन बाद थोड़ा सा और नीचे आए देंगे, क्योंकि कई स्टॉक क्या बहुत चल चुके होते हैं, हम रिसर्च में लाते और उसके बाद भी चल चुके होते हैं, तो आई वेट फॉर करेक्ट थोड़ा रूटेड ठंडी। यस, बट एनीवेज आज मैं स्टॉक जो लाया हुआ है मेटल का स्टॉक है, और मेटल्स कल चल रहे थे और कुछ दिनों से मेटल्स बढ़िया कर रहे हैं, और उनमें से एक स्टॉक है, बहुत पुरानी कंपनी है, संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड। देखिए मैंगनीज और आयरन ओर, और ये अभी ओवरऑल आप देखेंगे तो कल बहुत बढ़िया एक चाल लगी हुई थी सारे ही ये मेटल स्टॉक्स में, और जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं और ओवरऑल दूसरी एसेट क्लासेस जब बढ़िया लगने लग जाती है, तो सर्टेनली देखिए स्टील, आयरन, ये सबसे पहला मेटल होता है, तो मुझे लगता है कि एक तो वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, लेवल्स बहुत सस्ते हैं, पिछले कुछ इनके जो 2021 में जो ड्रीम रन आया 2021-22, उसके बाद ठंडक आई थोड़ी सी पूरे सेक्टर में, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक्स, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क अब कम लगती है, क्योंकि ऐसे मार्केट्स में जब सारी चीजें चली हुई होती है तो हमें कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर ऐसे देखने होते हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो और चीजें बेहतर होने की कोशिश में रहे। तो एनीवेज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट आयरन ओर माइनर, और प्राइवेट माइनिंग में मैंगनीज ओर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, क्योंकि मॉइल मैंने भी पहले भी रेकमेंड किया, मॉइल देखिए वो सरकारी कंपनी है, तो संदूर, संदूर एक हिल्स है मतलब पहाड़ी का नाम है, और 1838 से ये कंपनी इनफैक्ट माइनिंग मैंगनीज की हो रही है उस हिल्स में, और वहां से ये कंपनी समझ लो कि नाम जो डिराइव किया संदूर मैंगनीज, और एक वहां की रॉयल फैमिली है वो लोगों ने इस माइनिंग को स्टार्ट किया था, एक बहुत अच्छी हिस्ट्री और बहुत ही स्ट्रांग पेडिग्री वाली कंपनी है। तो जैसा कि मैंने कहा मिस्टर वाई आर घोरपड़े जी जो फॉर्मर महाराजा थे संदूर के, उन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ, और ये बाद में एक संदूर स्टेट हुआ करता था, बाद में इंडिया में एक स्टेट बना, इस तरीके की हिस्ट्री है, बट एनीवेज वी विल नॉट गो इनटू दैट। अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडामेंटल्स है, क्योंकि पिछले सालों में एक डेढ़ दो सालों में पोस्ट कोरोना कंपनी ने गजब के पैसे कमाए और गजब की इंप्रूवमेंट आई है प्रॉफिट प्रोफाइल में, और 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है, 18-19 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, पिछले तीन साल में प्रॉफिट की क्या कर 21%, सेल्स की क्या कर 53%, और स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए। इनफैक्ट सितंबर 2022 उस टाइम पे सुस्ती आई थी तो 22 करोड़ का ही पैट था, उसके सामने 26 करोड़ का पैट, यस, बट ओवरऑल अगर हम देखें इसको दो तीन सालों में देखना पड़ता है, जब भी आप मेटल्स की बातें करते हैं तो सिक्लिकल है, कमोडिटी साइकिल होता है, तो अब लास्ट कुछ सालों में मतलब पोस्ट कोरोना गजब का पैसा कमाया इन्होंने, और मतलब 150-200 करोड़ इस तरीके के क्वार्टरली प्रॉफिट्स है, तो मगर मार्च 2022 में देखें तो 915 करोड़ का पैट था, जिसमें एक अदर इनकम का भी एक फैक्टर छोटा सा, सॉरी वो 23 में था, तो इस तरीके से टीटीएम बेसिस में बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, और अच्छा जो मुझे लगा सबसे बढ़िया मार्जिन्स एज हाई एज 40% तक भी चले जाते हैं, बट जनरली ये लोग का 15-20% के बीच में ये लोग मार्जिन्स पे रहते हैं, सो दैट इज अगेन वेरी गुड, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है विच इज 75% के लगभग, और DIIs और FIIs में DIIs की छोटी सी होल्डिंग है, बट कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे हैं इसमें आगे पीछे, सो दैट ऑल्सो गिव्स अ गुड कॉन्फिडेंस, एंड बाकी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वो रहता है, हर बार जब भी मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया है टारगेट्स आराम से अचीव है, इनफैक्ट जून में भी मैंने रिकमेंड किया था वहां पे भी अचीव हुआ, तो यहां इस लेवल पे लेके 1830-1890 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है, ऊपर के लेवल 1770 के दिखाए हुए। ओके, तो संदूर मैगनीज ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय।